हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है जयशंकर की ताकत के पीछे है पीएम मोदी का ये जबरदस्त बयान, इंडिया यूएस 2x2 डायलॉग। चलो देखते हैं कि कौन सा बयान है मोदी जी का पीछे, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर हाँ, उससे मुझे याद आ रहा है कि जब हम ये देख रहे थे तो मैंने कहा था कि जब आप टॉक्स के लिए जब ये गए होंगे सब, तो पहले ब्रीफिंग हुई होगी मोदी जी के साथ, ये बैठे होंगे, मीटिंग हुई होगी, और पूरा क्या हमारा स्टैंड होगा यूएसए आके, वो सब पहले डिसाइड हुआ होगा कि अगर ये होता है तो हमने ये स्टैंड लेना है, अगर ये होगा तो ये होगा, क्या बातचीत करनी, सब पहले प्लान करके गए होंगे। मोदी जी ने बताया होगा क्या क्या हमारे जो है एजेंडाज हैं और क्या क्या हमारे को हमने करना है, किस सिचुएशन में हमें क्या बात करनी है, कहां हम थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं, कहां में हमने नहीं हटना, हमने बोलना यही है इसमें, ना इधर की बात ना उधर की, होगा तो यही होगा, तो वो सब सोच के गए होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पूरी दुनिया में छा गए हैं। अमेरिका में दिए गए उनके बयानों ने आज पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया है। अब इन सभी के बीच अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान चर्चा में आ गया है। कुछ साल पहले दिए गए इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया था कि आने वाले समय में भारत की विदेश नीति क्या होने वाली है। भारत की विदेश नीति आज इतनी मजबूत है कि अब सभी देश भारत को गंभीरता से लेते हैं। भारत ने आज दुनिया को बता दिया है कि उसकी विदेश नीति निष्पक्ष और स्वतंत्र है, और अब भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। मतलब पहले आता था। भारत अब जो भी फैसले लेता है अपने हितों को ध्यान में रख कर लेता है। आइए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय विदेश नीति की दिशा तय कर दी थी। मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरी एक विषय पर भरपूर आलोचना होती थी, वो ये थी कि मोदी चाय बेचने वाला, एक एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश क्या समझ आएगा उसको, और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। और तब मैंने, मीडिया ने मुझे पूछा था विदेश नीति के लिए, मैंने जवाब दिया था कि मेरी विदेश नीति क्या होगा क्या नहीं उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन मैंने इतना कहा था कि ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। सिर्फ 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए नहीं, भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा, तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले हम भी भले, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले एक तस्वीर निकाल दे, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा, मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा उतने ही प्यार से, उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। कर तो रहे हैं रशिया भी, अमेरिका भी। अवेलेबल ऑन गूगल। तो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक क्लिपिंग उन्होंने दिखाई है मोदी जी की, और मुझे जैसे उन्होंने शुरू किया, मुझे याद है जब मैंने, हम लोगों ने रिएक्शन किया था इसका, तो मैं इतनी खुश हुई थी जब पहली बार जब मैंने सुना था, मुझे उसी टाइम याद आ गया था कि भैया हम जो है आंख मिला के बात करेंगे, दैट वॉज जस्ट अ फैंटास्टिक लाइन, और ये तो शुरू से होना चाहिए था, सैडली नहीं हुआ, पर मोदी जी ने बताया भैया ये होगा। और ये बहुत अच्छी बात की कि चाहे कुछ भी हो
हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, जो हमें ठीक लगता है हम वो ही करेंगे और वही करें। वो बता रहे थे कि दो उन्होंने एग्जांपल्स दिए और दोनों में उन कंट्रीज का दिया जो एक दूसरे के जो है दुश्मन है। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे भी जाएंगे डंके की चोट में और हम यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी प्यार से करेंगे, यहाँ पे भी प्यार से करेंगे। और अब नेक्स्ट उन्होंने ये बोलेंगे हम अमेरिका भी जाएंगे, हम रशिया भी जाएंगे। तो भैया होना तो ऐसी चाहिए, आप अपनी कंट्री हो, आपके लिए जो ठीक है कंट्री के लिए आपको वो करना चाहिए। और हमारी कंट्री इंडिया के लिए ऐसा ही लीडर हमें शुरू से होना चाहिए था और यही थॉट होना चाहिए था। और इसी वजह से जो है इतनी रिस्पेक्ट और इतना जो ऑनर मिल रहा है इंडिया को वो इसी वजह से है। और डेफिनेटली जो जयशंकर जी हैं ही हैज गिवन सच ग्रेट स्टेटमेंट्स कि अब इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट से एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिल रही होगी और एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट से देखा जा रहा होगा कि इंडिया जो सोच रहा है वो ही करेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो देखिए। इसे पॉइंट ये है कि इंडिया की जीडीपी काफी तेजी से बढ़ रही है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। ये सारी पावर जो लीडर्स में आती है वो लोगों से आती है, लोगों की अचीवमेंट से। दिन रात जो कंट्री मेहनत कर रही है, प्रोग्रेस दिखा रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, आगे जा रही है, उससे आपके लीडर के पास पावर आती है। आफ्टर ऑल किसी ने फैक्ट्रीज खोली हैं, किसी ने एम्प्लॉयमेंट किया है, कोई पढ़ रहा है, कोई इन्वेंट कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, जो भी चीज हो रही है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी अच्छी है, डेमोक्रेसी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, पीसफुल है, कंट्री ऊपर उठती है, लीडर आपने सही चूज किए, आपने वेल एजुकेटेड मिनिस्टर्स रखे हुए हैं जो इस बात को कह पा रहे हैं। और पहले नहीं कहते थे, इसका दुख है मुझे, पहले क्यों नहीं कहते थे, आपको जो बात है स्ट्रेट बोलनी चाहिए। अब इसीलिए मोदी जी बोल रहे हैं कि स्ट्रेट बात होगी, अगर आप ऑयल की बात करते हैं तो बोलेंगे यूरोप हमसे ज्यादा लेता है, साफ साफ बात करिए। और वही कर रहे हैं, और ये भी सही कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे और किसी ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, आंख में आंख मिला के, वो ठीक है। मतलब जब कंट्री इतनी तेज आगे प्रोग्रेस कर रही है तो आपको तो लोग बुलाएंगे जगह जगह, मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि फ्यूचर इंडिया का बहुत ब्राइट है। जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ऑफकोर्स पॉपुलेशन है और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन करके बहुत आगे जा रही है कंट्री, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, स्पेशली डेमोक्रेसी एक क्रिटिकल है और फ्रीडम, इससे जबरदस्त कंट्री नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन चीजों के वजह से कंट्री आगे जाती है, लीडर्स आगे जाते हैं, और ये मतलब बेसिकली इसके इंडिया के लोगों को थैंक करना चाहिए कि आपने अच्छी गवर्नमेंट चूज की है जो आपको आगे लेके जा रही है। और इसमें जो है फ्रैंकली बोला जा रहा है जो भी बोलना है, तो ये भी क्लियर होगा कि हम फ्रैंक रहेंगे। और डेफिनेटली जो यूक्रेन की और रशिया की वॉर हुई है उसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से मोदी जी ने सबसे रिलेशनशिप बना रखी है, अमेजिंग है वो, अमेजिंग बात है। मतलब जहां पर भी देखेंगे आपको ये नजर आ रहा है कि मोदी जी इससे भी दोस्ती कर रहे हैं, उससे भी दोस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे गले मिल रहे हैं, यहाँ पे हैंडशेक्स हो रही हैं, मतलब जहां जो भी बंदा आता है वो मोदी जी से कंफर्टेबल नजर आता है। ये क्रिटिकल है, आप दो लीडर मिलिए हाँ हाँ ये कर रहे हैं, मगर जहां मोदी जी आ रहे हैं हर कोई बंदा मोदी जी से बड़े अच्छे से मिल रहा है, ये ग्रेटनेस है। चाहे आपकी डिसएग्रीमेंट होता हो, आपका कुछ भी होता हो, मगर मिलने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा वीडियो था, मजा ही आ गया देख के, प्राउड फील हो रहा था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।